YouTube के बेल आइकन को बजाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। भारत में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो वाकई में हैरान करने वाले हैं। आम तौर पर आपने फिल्मों में देखा ही होगा कि जब भूतिया सीन आते हैं तो लोग डर जाते हैं। वे लोग जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने के प्रयास में अकेले किलों में जाने से डरते हैं। क्या ये अमुक्त आत्माएं पुराने किलों में वास करती हैं? क्या ये अमुक्त आत्माएं खाली जगहों पर वास करती हैं? ऐसे ही सवाल अक्सर आपके दिमाग में उठते होंगे। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी इमारतें और ऐसी जगह हैं जहां पर भूत प्रेत और आत्माएं भटकती हैं। इसी कारण से भारत की ऐसी इमारतें सुर्खियों में बनी रही हैं। इन जगहों पर लोग भूल कर भी जाना पसंद नहीं करते। आर्य मिल कॉलोनी रोड, मुंबई। आर्य मिल कॉलोनी रोड पेड़ पौधों के बीच में बसी हुई एक छोटी सी जगह है। यहाँ पर लोग दिन के समय पिकनिक मनाने आते हैं, पर शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पर लोग आने की हिम्मत नहीं करते। काफ़ी लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर एक आत्मा भटकती है। इस आत्मा की कहानी के पीछे लोग कहते हैं कि काफ़ी सालों पहले यहाँ पर एक महिला का खून हो गया था और उसी की आत्मा यहाँ पर भटकती है। यहाँ से आने वाले ड्राइवरों का कहना है कि जब वो शाम को काम के बाद वापस लौटते हैं तो यहाँ पर एक महिला उन्हें पेड़ के पीछे रोती हुई नज़र आती है। जब वो महिला की तरफ उसकी मदद करने के लिए बढ़ते हैं तो वो महिला एकदम से उन पर हमला करती है। काफ़ी लोगों का कहना यह भी है कि यहाँ पर एक महिला लिफ्ट मांगती है, जब वो गाड़ी को रोकते हैं तो वो उन पर हमला करती है या फिर वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पर आने वाले काफ़ी लोगों को आत्मा अपनी तरफ आकर्षित भी करती है और कई बार इस आत्मा की वजह से इस रोड पर एक्सीडेंट भी हुए हैं। राजकिरण होटल, लोनावला। USA और UK में हमें बहुत सारे भूतिया जगह और भूतिया बंगले मिलते हैं, पर हमारे देश भारत में भूतिया होटल मिलना बहुत ही कठिन है। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के लोनावला में स्थित राजकिरण होटल भूतिया होटल में से एक है और ये महाराष्ट्र की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। इस होटल के एक रूम में भूतिया गतिविधियां होती हैं और ये गतिविधियों की वजह से ही ये होटल फेमस है। यहाँ पर रहने वाले बहुत से मुसाफिरों का यह भी कहना है कि यहाँ पर रूम के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जैसे कि कोई आत्मा उनकी चादरें खींच लेती है। कई बार उनके रूम में सामान बिखरा हुआ मिलता है और रूम अस्त व्यस्त मिलता है। यहाँ पर कई लोगों का यह भी कहना है कि एक लड़की ने एक कमरे के अंदर आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा यहाँ पर भटक रही है। इस होटल में इस भूतिया गतिविधियों की वजह से इस होटल का नाम राजकिरण होटल से बदलकर ब्लू लगून कर दिया है, पर इन गतिविधियों को रोकने के लिए कोई निवारण नहीं किया गया है। आज भी इस होटल में ऐसी भूतिया गतिविधियाँ होती हैं और ये मुंबई, महाराष्ट्र में लोनावला की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। अपार्टमेंट ऑफ जोगेश्वरी, मुंबई। यहाँ पे बहुत मंजिलें बाहर से नॉर्मल नज़र आती हैं, परंतु इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक आत्मा वास करती है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक एयर होस्टेस रहती थी और अचानक ही एक दिन उसकी हत्या हो गई और कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक नई एयर होस्टेस रहने आई। उनको कुछ दिन बाद ऐसा लगने लगा कि उन पर कोई नज़र रख रहा है या उनका कोई पीछा कर रहा है। उन्हें कई बार चीखने की आवाज़ें भी रात के समय सुनाई दी। एक बार एयर होस्टेस ने टेरेस में एक लड़की को रोते हुए देखा। जब एयर होस्टेस उस लड़की की तरफ बढ़ी तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। ऐसी ही कुछ घटनाएं वहां पर देखने को मिली और आज भी इस बिल्डिंग का दूसरा माला खाली है और लोग इस बिल्डिंग के दूसरे माले पर जाने से डरते हैं। जो भी इस बिल्डिंग में रहा है वो इन घटनाओं की वजह से फिजिकली बीमार हो चुका है और यहाँ पर रहने वाले काफ़ी लोगों का यह भी कहना है कि ऐसी ही कुछ गतिविधियाँ लड़की का देखना अभी भी यहाँ पर जारी है। हमारे देश में ऐसे किस्से और कहानियाँ सामने आते रहे हैं। कई लोग इन्हें सच मानते हैं तो कई लोग इसे भ्रम। जो हमारे सामने है उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पर हम यही कहते हैं, आप विश्वास करना चाहते हैं तो करें, ना करना चाहते हैं तो ना करें। ऐसे ही कुछ किस्से और कहानी हम हमारे अगले एपिसोड में भी लाएंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।